दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने सेफ्री मिति चैनल पे। आज की वीडियो में आपको फायर क्या होता है या फायर का प्रकार या फायर का टाइप सिखाने नहीं आया हूँ, बल्कि फायर का ए बी सी डी ई एफ जी नहीं के का कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा, बल्कि लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन आपका कीमती 5 मिनट पूरे ध्यान से वीडियो आखिर तक देखना होगा ताकि आपको दूसरों को भी समझा सकें। तो दोस्तों, अपने टॉपिक के प्रारंभ करते हैं, आई मीन स्टार्ट करते हैं किससे, वही अपना ए बी सी डी ई एफ के फॉर किचन। तो दोस्तों, पहला अपना कौन सा है, ए। ए बोले तो सॉलिड वाली फायर, जैसे लकड़ी, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ए क्लास को इंडियन स्टैंडर्ड भी मानती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी मानती है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड भी मानती है और एनएफपीए भी मानती है। एनएफपी बोले तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। अब यहाँ पे सवाल तो ज़रूर बनता है दोस्तों कि मुझे 4-4 स्टैंडर्ड से समझाने की क्या ज़रूरत है। तो डेफिनेटली कुछ तो रीज़न होगा मेरे पास भाई। तो इंडियन स्टैंडर्ड के लिए मुझे ना रीज़न देने की ज़रूरत है और ना आपको मांगने की, एज ए इंडियन, एज ए भारतीय और एज ए हिंदुस्तानी होने की वजह से। दोस्तों, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के लिए इसलिए यूज़ किया हूँ क्योंकि ब्रिटिश स्टैंडर्ड फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स सेफ्टी। जैसे अभी जो सेफ्टी का आईएसओ 45001 जो अडॉप्ट किया गया है, किससे किया गया, ओशाज 18001, जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड था। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फायर क्लासिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड कहती है मेरे पास 6 क्लासिफिकेशन फायर के हैं, तो वो भी चेक करेंगे वो कैसे। और आखिर में एनएफपीए, तो एनएफपीए की वजह से आज हम वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मोस्टली कन्फ्यूजन जो है वो एनएफपीए की ही वजह से है। तो दोस्तों, मूव करते हैं अपना सेकंड बी। बी बोले तो लिक्विड वाली फायर। लिक्विड वाली फायर को भी जैसे पेट्रोल डीजल कौन मानता है, इसे इंडियन स्टैंडर्ड भी मानता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी मानता है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड भी मानता है और एनएफपीए भी मानता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार एनएफपीए क्लास में और भी कुछ आता है, तो भाई लोग उसमें और भी कुछ आता है, लेकिन मैं अभी डिस्कस उसको नहीं करूँगा, एंड में करूँगा ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो और कुछ रह जाए या कुछ गलत हो आप कमेंट्स करके मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, मूव करते हैं सी की तरह। तो सी वाली फायर, सी वाली कौन सी फायर है दोस्तों, गैस वाली फायर। तो हाइड्रोजन, एसिटिलीन, एलपीजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कौन सी वाली फायर है दोस्तों, गैस वाली फायर। तो इसको कौन कौन मानता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड भी मानती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी मानती है, ऑस्ट्रेलियन भी मानती है एंड एनएफपीए इसको नहीं मानती। एनएफपीए के हिसाब से क्लास सी में गैस वाली फायर नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं और आगे मूव करते हैं और इसे हम एंड में देखेंगे क्यों नहीं मानती है। दोस्तों, डी मेटल वाली फायर। मेटल वाली फायर बोले तो मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें दोस्तों, इसमें कोई टेंशन नहीं क्योंकि हर स्टैंडर्ड इस बात को मानती है, इंडियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया और एनएफपीए भी इसको मानती है। तो दोस्तों, अपना पांचवा है ई क्लास। तो ई क्लास दोस्तों, पूरे ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, या कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, तो इस पर ध्यान दीजिए आप। तो दोस्तों, अपना पांचवा ई बोले इलेक्ट्रिकल फायर, जैसे ऐसा उपकरण, ऐसा इक्विपमेंट जो एनर्जाइज्ड हो, जिसमें इलेक्ट्रिकल भी, जिसमें करंट हो और आग भी लगी हो। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फायर के बारे में हर स्टैंडर्ड का अलग अलग स्टैंड है, आई मीन अपना अपना मानना है। हर स्टैंडर्ड ये बात तो ज़रूर मानती है कि इलेक्ट्रिकल फायर फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है जो जो जलेगा, बल्कि एक इग्निशन सोर्स है जो आग लगने का कारण है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास कह नहीं सकते ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, और इसे कहे बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए हर स्टैंडर्ड अपने अपने अंदाज में इलेक्ट्रिकल फायर को कैसे क्लास कहती है, या यूं कह दे कैसे रिप्रेजेंट करती है, या यूं कह दे कैसे इलेक्ट्रिकल फायर को मानना है, वो देखते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना इंडियन स्टैंडर्ड से। तो दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड IS 2190/2010 फोर्थ रिविजन 9th पॉइंट में एक नोट है। क्या नोट है देखते हैं हम लोग। नोट ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर ऑन लाइव इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। द एक्सटिंग्विशर दैट हैव पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट शुड ओनली बी यूज्ड। सो शॉर्ट एंड सिंपल मैं ये कहना चाह रही है कि इलेक्ट्रिकल फायर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट पास एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्या कहती है दोस्तों, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड कहती है कि अक्षर ई यूज नहीं करती, वर्ड अल्फाबेट यूज नहीं करती, बल्कि उसके बदले में इलेक्ट्रिकल सिंबल यूज करती है। देखिए यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिकल सिंबल यूज किया है, सब जगह पे ए बी सी डी की जगह अल्फाबेट यूज किया, लेकिन इलेक्ट्रिकल में कोई अल्फाबेट यूज नहीं करती ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ये मानना ब्रिटिश स्टैंडर्ड का। उसके बाद होता ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। तो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड का भी दोस्तों ऐसा ही मानना है जैसे हर कोई मान रहा है कि क्लास तो फ्यूल तो नहीं है इलेक्ट्रिकल फायर ऑन द बेस, मतलब क्लास फ्यूल तो नहीं है इलेक्ट्रिकल फायर, लेकिन फिर भी ई से रिप्रेजेंट करती है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कि जब तक आग लगी हो और बिजली भी हो तो ई क्लास है,
जैसे ही बत्ती गुल, ए बी सी डी वाला मीटर चालू। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही फायर से बिजली खत्म, इन क्लास में से कोई भी हो सकता है, ये ऑस्ट्रेलियन कहती है और इसे रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों एनएफपीए इसको भी नहीं मानती, ई फॉर इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों आगे मूव करते हैं, छठा देखते हैं। छठा वाला फायर कौन है दोस्तों? क्लास एफ। क्लास एफ एफ बोले तो कुकिंग ऑयल वाली फायर। तो इसे कौन 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 स्टैंडर्ड मानता है दोस्तों? तो इंडियन स्टैंडर्ड भी मानती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी मानती है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड भी मानती है, और इसे एनएफपीए नहीं मानती है। तो दोस्तों कुछ भाइयों का मन में सवाल तो ज़रूर होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने क्लास एफ में इंडियन स्टैंडर्ड का भी नाम लिया है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना, पहले एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2190 के हिसाब से चार ही क्लासिफिकेशन थे, वो ए बी सी डी, लेकिन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 के हिसाब से क्लास एफ भी इसे इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए मैंने इसको क्लास एफ में ये मेंशन किया है। दोस्तों अब सातवां देखते हैं, सातवां और आखिरी देखते हैं क्या है अपना, के बोले तो किचन वाली फायर। तो और किचन में क्या होगा? मोस्टली ऑयली होगा। तो एफ और के क्लास का कंटेंट तो सेम है, जलने वाली चीज़ें तो सेम है, लेकिन क्लास का नाम अलग अलग है। तो दोस्तों देखते हैं कि के को कौन स्टैंडर्ड मानता है। अच्छा तो ओनली एन एफ पी ए ही मानता है, इसीलिए यहाँ पे एफ को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो दोस्तों हमने देखा गाड़ी ए से चली और के तक पहुँच गई, और इस बीच में जितने भी थे इंडियन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड का मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन एन एफ पी ए का सी और ई एफ वाला मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो दोस्तों एक नज़र हम लोग ये देख लेते हैं कि अपना इंडियन स्टैंडर्ड कितने क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो इंडियन स्टैंडर्ड में 5+1 है, कौन कौन से ये देखिए, 5+1 ए बी सी डी एफ प्लस ई। इसी तरह ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी है 5+1, इंडियन सॉरी ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है 6, और एन एफ पी ए दोस्तों है 5 एज पर एन एफ पी ए 10 2018 के हिसाब से। तो इसमें से हमारे पास कितना मिल गया, 1 2 3 4, इट मीन्स ऑलरेडी हमारे पास 4 है एन एफ पी ए के, सिर्फ एक को हमें ढूंढना है। तो हम लोग शुरू करते हैं, 3 क्वेश्चन मार्क शुरू करते हैं, कहाँ से, एफ से करते हैं। तो एफ वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एफ वाला ऑलरेडी के ऑलरेडी बना चुका है, ये रहा के वाला किचन, किचन फायर ऑलरेडी है एन एफ पी ए के पास, तो इसलिए एफ में उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। बचा सी और ई। दोस्तों सी सी क्यों क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि गैस वाली फायर नहीं मानता वो। ठीक है हम इसे हटा देते हैं, सी को हटा दे। अब क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रिकल वाली फायर है। ठीक है इलेक्ट्रिकल वाली फायर, इट मीन्स हमको इसको ई में भी जाने की ज़रूरत नहीं, इट मीन्स ई वाला भी मैटर सॉल्व हो गया। तो बचा कौन सा, सी। इसका मतलब सी ही हो सकता है, लेकिन जब सी की बात आती है तो इंडियन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड ये मिलके सवाल करती है कि सी का जो गैस है अगर आप इस ई में लाते हैं तो क्या ये भी साथ में रहेगा। बोले नहीं, एन एफ पी ए कहती है कि हमारा गैस जो है ये गैस और लिक्विड एक साथ रहेगा। तो दोस्तों अपना इंडियन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड इस बात को नहीं मानती और कहती है कि हमारे लिए सी ही गैस वाली फायर रहेगी और लिक्विड वाली फायर कौन सा रहेगा, बी ही रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे क्लास ए के लिए सबके लिए एक ही बराबर है, और क्लास बी में इंडियन स्टैंडर्ड के लिए, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के लिए और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के लिए लिक्विड फायर है, और लेकिन एन एफ पी ए के लिए लिक्विड भी है और गैस वाली फायर भी क्लास बी है। और सी में हमने देखा दोस्तों कैसे है, इंडियन ब्रिटिश स्टैंडर्ड के लिए गैस वाली फायर जो पहले हमने डिस्कस किया वो वैसे ही एज इट इज़ है, लेकिन एन एफ पी ए के लिए इलेक्ट्रिकल वाली फायर है। और दोस्तों हमने देखा कि एन एफ पी ए डी में कोई टेंशन नहीं हमें, ई का ऑलरेडी हमने मैटर सॉल्व कर दिया, एफ का ही मैटर सॉल्व कर दिया है। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जब भी आपको कन्फ्यूजन होगा आप देख सकते हो यहाँ से आपको क्लास का ये कौन से स्टैंडर्ड में कितने क्लास है, आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, और कौन से स्टैंडर्ड क्लास में कौन से क्लास में कौन कौन सा स्टैंडर्ड आता है आपको यहाँ से ये ऐसे मिल जाएगा,
और कौन से क्लास में कौन कौन सा फ्यूल आता है स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। जैसे सपोज करिए बी में, तो बी में दो तरह के फ्यूल है, एक लिक्विड भी है और गैस भी है, तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा कि हाँ इंडियन ब्रिटिश सिलेंडर के लिए लिक्विड क्वालिफायर है, लेकिन NFP के लिए लिक्विड भी है गैस भी है। तो दोस्तों ABCDEFG नहीं के फॉर किचन से, आई होप कि मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा। आप स्क्रीनशॉट देख के कभी भी आप कंफ्यूज हो आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, एंड सॉरी फॉर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।